गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर ऑनलाइन क्लास। टुडे विल वी स्टडी अबाउट, देखिए चैप्टर नंबर 1, नेम कीप स्माइलिंग ऑलवेज। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 1, ओके। देखिए अब हम रीडिंग लगाते हैं और मेरे साथ साथ सभी बच्चे रीडिंग करेंगे, ओके बच्चों। देखिए, ए स्माइल इज ए वेरी फनी थिंग, इट रिंकलेस अप योर फेस एंड व्हेन इट्स गॉन विल बी नेवर फाइंड इट्स रेक्ट एंडिंग स्पेस। ए स्माइलिंग इज ए स्मॉल कर्व दैट मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट, सो ऑलवेज स्माइलिंग एंड लव वेयर इज द टाइम टू हिट। देखिए, ए स्माइलिंग इज ए वेरी फनी थिंग, यानी कि मुस्कुराहट एक बहुत मजेदार चीज है। इट रिंकलेस अप योर फेस, यह आपके चेहरे को झुर्रियों से भर देती है। एंड व्हेन इट्स गॉन, और जब यह चली जाती है तो कभी वापस नहीं आती। यू विल बी नेवर फाइंड, यह जब चली जाती है तो कभी वापस नहीं आती। इट्स सीक्रेट हैंडिंग स्पेस, इसका गुप्त ठिकाना है, यानी कि गुप्त मतलब छुपा हुआ, इसका गुप्त ठिकाना है। ए स्माइल इज ए स्मॉल क्रब, एक मुस्कुराहट एक छोटी सी वक्र है। दैट मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट, जो सब कुछ सीधे बनाती है। सो ऑलवेज स्माइल एंड लव, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, यानी कि इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। वेयर इज द टाइम टू हेट, प्यार करें, नफरत करने का समय कहाँ है। बच्चों, इस पोयम में आपको बताया गया है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें और नफरत करने का समय कहाँ रखा है। बच्चों, नफरत नहीं करनी चाहिए और प्यार से रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, ओके। आपको चैप्टर समझ में आया होगा, इसकी आपको 2 टाइम रीडिंग लगानी है और बहुत अच्छे से समझना है और अपने ध्यान में रखना है, ओके। इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट डे कराएंगे, ओके बच्चों, थैंक यू।